हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज का जो वीडियो है वो जीएसटी पे बेस्ड है। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या LUT यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हमें मैन्युअली भी फिजिकली भी क्या जाके देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, इस पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, मेरे पास प्रूफ है कि हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन सबमिशन इज़ इनफ। गवर्नमेंट ने इसके बारे में हाल ही में चर्चा करके क्लैरिफिकेशन दी है कि हाँ, ऑनलाइन सबमिशन इज़ इनफ, हमें फिज़िकली ये डॉक्यूमेंट जाके सबमिट नहीं करना। चलिए हम लोग प्रूफ देखते हैं इस बात का कि क्या सबूत है। सो बिफोर मैं प्रोसीड करूँ, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। चलिए जानते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कहा। तो गवर्नमेंट ने कहा सर्कुलर नंबर 40/14/2018 जीएसटी डेटेड 6/4/2018 को इशू किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि LUT इन द फॉर्म जीएसटी RFD 11 ऑन द पोर्टल ओनली, ये वर्ड ओनली पे ध्यान दे, यहाँ पर लिखा है ओनली, यानी पोर्टल पे ही सिर्फ देना है। LUT विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, डीम्ड यानी माना जाएगा कि एक्सेप्टेड है, एज सून एज ARN इज जनरेटेड। आप लोग जब LUT भर के सबमिट करेंगे ऑनलाइन, तो एक ARN सक्सेसफुली सबमिशन होने के बाद एक ARN जब जनरेट होगा, जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होता है, ARN जनरेट होगा। अगर जनरेट हो जाता है तो ये माना जाएगा कि हाँ, जो आपने सबमिट किया वो अप्रूव्ड है, डीम्ड अप्रूव्ड है, यानी अप्रूव्ड हो चुका है। नो डॉक्यूमेंट नीड टू बी फिजिकली सबमिटेड टू द ज्यूरिडिक्शनल ऑफिस। इसे ध्यान से पढ़े, लिखा हुआ है नो डॉक्यूमेंट नीड टू बी फिजिकली सबमिटेड टू द ज्यूरिडिक्शनल ऑफिस, और ये GST@GOL, जैसे कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट का ट्वीट है ये। सो GST से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने ट्वीट किया है। इसके अलावा चलिए और डिटेल में प्रूफ को देखते हैं। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेरियस कम्युनिकेशन हैव बीन रिसीव फ्रॉम द फील्ड फॉर्मेशन एक्सपोर्टर दैट द LUT बीइंग सबमिटेड ऑनलाइन इन फॉर्म GST RFD 11 ऑन द कॉमन पोर्टल आर नॉट विजिबल टू द ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम एंड ऑफ अ फ्यू स्टेट। यानी पहले ये प्रॉब्लम था कि जो ऑनलाइन सबमिशन हुआ है RFD, वो पोर्टल पे नहीं दिख रहा था ऑफिसर लोग को, तो देयरफॉर नीड वाज फेल्ट फॉर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ LUT बीइंग सबमिटेड ऑनलाइन इन द फॉर्म RFD 11। सो जो ये नीड फेल्ट हुआ, जरूरत फेल हुआ कि LUT की रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्या सिर्फ कॉमन पोर्टल पे देना है या क्योंकि वो लोग को नहीं दिख रहा तो हमें फिजिकली जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यस फ्रेंड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम जो नाम था वो रिप्लेस होके, चेंज होके अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो सर्कुलर था पहले का 8/8/2017 GST डेटेड 4/10/2017 को जो उन्होंने सर्कुलर निकाला था, उसकी CDE पैरा 2 के CDE में चेंजेस किए हैं ताकि बेहतर तरीके से लोगों को समझ में आए क्या था, क्या चेंजेस हुए हैं, चलिए उनको देखते हैं। सो पहले देखते हैं पैरा 2 जो था उसका सी का जो पार्ट था उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा क्या था जो चेंज हो गया, यानी इसमें ये जो था ये चेंज हो चुका है। उसमें लिखा ये था कि GST का जो फॉर्म RFD 11 है इज़ अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल, द रजिस्टर्ड पर्सन मे डाउनलोड द फॉर्म, यानी RFD 11 को डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से जो कि www.cbec.gov.in है। उस समय के लिए कहा गया था कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड फर्निश द ड्यूली फिल्ड फॉर्म, और उसे फर्निश करना पड़ेगा डिप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी आपका जो जहाँ पर बिजनेस है उसका जो प्रिंसिपल जो प्लेस है उसके जो भी डिप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर होंगे उनको सबमिट करना पड़ेगा आपको फिजिकली। ये था पहले का रूल।
द एल यू टी शैल बी फर्निश ऑन द लेटर हेड ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी लेटर हेड पे होना चाहिए, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जो सबमिट करा वो अपने लेटर हेड पे देगा, डुप्लीकेट फॉर्म में देगा, एंड शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय, यानी साइन कौन करेगा, वर्किंग पार्टनर या कोई MD उसका या उसका CS या अगर प्रोप्राइटर है तो वो खुद, और बाय अ पर्सन ड्यूली जो उसको भी ऑथराइज करे बाय सच वर्किंग पार्टनर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी और प्रोप्राइटर. द बॉन्ड वेयर रिक्वायर्ड शैल बी फर्निश ऑन, अगर जब बॉन्ड चाहिए तो वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे देना पड़ेगा, ऑफ द वैल्यू एज एप्लीकेबल इन द स्टेट इन विच द बॉन्ड इज बिंग फर्निश्ड, यानी जिस स्टेट में जो वैल्यू चाहिए अप्रोप्रिएट होगा वैसे भरना पड़ेगा. ये था पुराना पैरा सी, पैरा टू का आई मीन सब पैरा सी. तो यहाँ पर जैसे कि साफ लिखा हुआ है कि हमें ज्यूरिडिशनल के पास जाके फिजिकल सबमिट करना पड़ेगा, पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ये पुराना था. अब नया क्या है, नया ये है कि द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फिल एंड सबमिट फॉर्म GST RFD 11 ऑन द कॉमन पोर्टल एंड LUT शैल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड एज सून एज एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेम बियरिंग ARN इज जनरेटेड ऑनलाइन. यानी जैसे ही ARN जनरेट हो गया ये माना जाएगा कि डीम्ड अप्रूव्ड, यानी ये अप्रूव्ड ही माना जाएगा, इक्वल टू अप्रूव्ड ऐसा माना जाएगा, यानी ARN जनरेट हो गया आपका अप्रूव्ड हो गया. सो ये पार्ट इसने क्लियर कर दिया, सी पार्ट में ये क्लियर हो गया कि हमें जाने की जरूरत नहीं है, डीम्ड अप्रूव्ड है, अब डालते ही अब फॉर्म भरने के बाद ही ARN जनरेट हो गया तो वो अप्रूव्ड है. फिर पैरा डी क्या था, यानी सब पैरा टू का सब पैरा डी क्या था, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का बात किया गया था कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा टू द इफेक्ट दैट द कंडीशन ऑफ LUT हैव बीन फुलफिल्ड शैल बी एक्सेप्टेड अनलेस देयर इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अदरवाइज, दैट इज सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोजर टू द इफेक्ट दैट ही हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड इज शुड सफिस फॉर द पर्पस, वेरिफिकेशन इफ एनी मे बी डन ऑन द पोस्ट फैक्टो बेसिस. तो ये सब पैरा डी था पैरा टू का, इसे भी हटा के कहा गया नो डॉक्यूमेंट नीड टू बी फिजिकली सबमिटेड टू द ज्यूडिशियल ऑफिस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ LUT. LUT को एक्सेप्टेंस कराने के लिए आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं, ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है. फ्रेंड जो भी मैं बता रही हूँ इसका एक प्रॉपर सर्कुलर भी गवर्नमेंट ने इशू किया, वो मैं एंड में आपको दिखाऊंगी. लास्ट हम लोग देख लेते हैं पैरा टू का सब पैरा ई. जैसे कि मैंने आपको बताया CDE तीन में चेंजेस हुए थे, CD मैंने आपको बता दिया, ई कहता था टाइम फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ LUT या बॉन्ड, एज LUT बॉन्ड इज अ प्रायर रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट से पहले आपको बनना पड़ा इसको जनरेट करना पड़ता है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट टू SEZ SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट, द LUT या बॉन्ड शुड बी प्रोसेस्ड ऑन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. इट इज़ क्लैरिफाइड दैट LUT बॉन्ड शुड बी एक्सेप्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज ऑफिस रिसीप्ट, यानी मिलने के 3 वर्किंग डेज के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ता है, अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन भी साथ में देना पड़ता है, यानी 3 दिन का टाइम में एक्सेप्टेंस हो जाता है, और नहीं एक्सेप्ट करते हैं वो लोग तो ये डीम्ड एक्सेप्ट माना जाएगा. सो ये प्रोविजन को भी हटा दिया, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया ARN जनरेट होते ही एक्सेप्टेड हो जाएगा, सो इस वाइस लाइन का कोई मतलब नहीं था. तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि एज LUT शैल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड एज सून एज द एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेम बियरिंग ARN इज जनरेटेड ऑनलाइन, है जैसे ही आपने ARN जनरेट कर लिया तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा. 3 वर्किंग डे से कहानी यहाँ पर नहीं है. इफ़ इट इज़ डिस्कवर्ड दैट द एक्सपोर्टर हुज LUT हैज़ बीन सो एक्सेप्टेड वॉज इन एलिजिबल टू फर्निश एन LUT इन प्लेस ऑफ बॉन्ड, देन द एक्सपोर्टर्स LUT विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन. इन केस ऑफ रिजेक्शन LUT शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिजेक्टेड एब इन इशू. एब इन इशू का मतलब होता है स्टार्टिंग से ही, इसका मतलब ये है कि एंड LUT शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड, यानी LUT एक्सेप्टेड माना जाएगा जैसे ही आपने ARN ऑनलाइन जनरेट कर लिया. पर अगर सपोज बाद में पता चला कि दैट द एक्सपोर्टर हुज LUT हैज़ बीन सो एक्सेप्ट, यानी जिसका LUT एक्सेप्ट हो चुका है, यानी LUT का ARN जनरेट हो चुका है, वॉज इन एलिजिबल टू फर्निश LUT इन प्लेस ऑफ बॉन्ड, यानी उसके लिए LUT नहीं था, वो जनरेट नहीं कर सकता था पर उसने फिर भी किया, तो ऐसे केस में उसे रिजेक्टेड कर दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि वो स्टार्टिंग से ही रिजेक्टेड था, वो LUT स्टार्टिंग से ही रिजेक्टेड था. चलिए अब सर्कुलर भी देख लेते हैं. फ्रेंड बहुत लोगों का डाउट है कि ये सर्कुलर है, ये तो नोटिफिकेशन नहीं है. फ्रेंड सर्कुलर का मतलब ये होता है गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर रहा है हम लोग को,
रदर से डिपार्टमेंट को अपने क्लैरिफाई करता है कि चीज़ें कैसे करनी है, नोटिफिकेशन क्या होता है. नोटिफिकेशन गवर्नमेंट हमें देता है, हमें लॉ को समझने में हेल्प करता है कि ऐसे होगा ये, या रेट ऐसे चेंज हो गया, अब ये हो गया है. तो लॉ हमें समझाता है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू, और सर्कुलर के थ्रू वो अपने आप में इंटरनल अफेयर यानी इंटरनली जो उनके वर्किंग है वो समझाते हैं. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ये फिज़िकल सबमिट करना है कि नहीं करना, ये इंटरनल है उनका, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है इसी को सर्कुलर के थ्रू. सो ये भी इक्वल है जैसे नोटिफिकेशन होता है बाइंडिंग इफेक्ट, ये भी वही है. ये इसमें कोई डिलेमा नहीं है कि इस एक्सेप्टेंस ये जो है वो वैलिड है कि नहीं. ऑफकोर्स ये वैलिड है क्योंकि गवर्नमेंट ने इशू कर किया है ये सर्कुलर. सो सर्कुलर इज इक्वल टू जैसे कि नोटिफिकेशन होता है. इन अ लेमैन लैंग्वेज आई वुड से कि हाँ, जैसे नोटिफिकेशन होता है वैसे ही सर्कुलर होता है. इन अ लेमैन लैंग्वेज आई वुड से. सो चलिए देखते हैं. यहाँ लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. जैसे कि मैंने बताया सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखता था, उसका नाम चेंज होकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम हो गया. अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखेगा. तो टू किसको एड्रेस किया इन्होंने, इन्होंने एड्रेस किया टू द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या फिर चीफ कमिश्नर्स या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर्स या कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स या द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल, इन लोगों के लिए डेटेड 6 अप्रैल 2018 यानी लेटेस्ट है ये. लिखा है सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन ऑन इशू रिलेटिंग टू फर्निशिंग ऑफ बॉन्ड LUT फॉर एक्सपोर्ट. यानी क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है कि कैसे इसको ट्रीटमेंट करना है लेटर या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ बॉन्ड को. तो लिखा है वेरियस कम्युनिकेशन हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम द फील्ड फॉर्मेशन एक्सपोर्टर दैट द LUT बीइंग सबमिटेड ऑनलाइन ऑन द कॉमन पोर्टल आर नॉट विजिबल टू द जुडिशियल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया टैक्सेस एंड कस्टम एंड ऑफ फ्यू स्टेट. देयरफॉर नीड वॉज फेल्ड कि उन लोग को अगर नहीं मिल रहा है क्या करें हम लोग. नीड वॉज फेल्ड फॉर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ LUT. सो एक ज़रूरत फील हुआ था. अकॉर्डिंगली इन पार्शियल मॉडिफिकेशन यानी पुराना जो सर्कुलर था 8/8/2017 का डेटेड 4 अक्टूबर 2017 उसके जो नोट सर्कुलर था उसका जो पैरा था दो उसमें CDE जो सब पैरा था उसमें चेंजेस किया गया ताकि अपने इंटरनली समझ सके हम लोग कि वर्किंग कैसे होगा. यानी पहले जो सिस्टम था और अभी जो सिस्टम था LUT का वो चेंज हो चुका है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं CDE में चेंजेस, सी में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश एंड सबमिट GST RFD 11 ऑन द कॉमन पोर्टल एंड LUT शैल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड एज सून एज ARN इज जनरेटेड. डी क्या था, वो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला था कि नो डॉक्यूमेंट नीड टू बी फिजिकली सबमिटेड जुडिशियल ऑफिस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ LUT. यानी कोई सेल्फ डिक्लेरेशन कुछ देने का जरूरत नहीं है, बस ARN जनरेट करना ही इनफ है. नो डॉक्यूमेंट नीड टू बी फिजिकली सबमिटेड, नो डॉक्यूमेंट. थर्ड ई पॉइंट एक्सेप्टेंस ऑफ LUT बॉन्ड. कैसे, जैसे ही बता मैंने पहले बताया ARN जनरेट होते ही एक्सेप्टेड माना जाएगा. पर सपोज आप द एक्सपोर्टर हुज LUT हैज़ बीन एक्सेप्टेड वॉज इन एलिजिबल टू फर्निश यानी एंड LUT इन प्लेस ऑफ बॉन्ड एज पर द नोटिफिकेशन, अगर वो इन एलिजिबल था तो ऐसे केस में LUT को एब इनिशियो मतलब जो void है वो वैलिड नहीं है ये माना जाएगा. इनिशियली रिजेक्टेड एब इनिशियो, एब इनिशियो यानी इनिशियल स्टेट से, यानी वो कभी एक्सेप्टेड था ही नहीं LUT, ऐसा माना जाएगा अगर कोई इन एलिजिबल पर्सन LUT सबमिट करता है तो. इसके अलावा ये तो कुछ खास नहीं है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया सर्कुलर गवर्नमेंट्स जनरली सर्कुलर, जैसे आपने देखा कि ये सर्कुलर था ये नोटिफिकेशन नहीं था. तो गवर्नमेंट सर्कुलर इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट अपना पॉलिसी बताता है. इट विल ऑफन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देता है गाइड करता है रूल्स एंड और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन लेजिस्लेटिव और प्रोसीड्यूरल मैटर, कैसे काम करना है उस मैटर पे क्लैरिफिकेशन देता है कि ऐसे काम करना है हम लोग को. पर नोटिफिकेशन एक पब्लिक नोटिफिकेशन दैट लेट द जनरल पब्लिक नो अबाउट लॉ, वो हमें लॉ बताता है कि हाँ टैक्स ये रेट में ये चेंज हुआ है या फिर गवर्नमेंट ने अभी ये चेंज किया है. सो एक तरह का सा नोटिफिकेशन जो लॉ को क्लैरिफाई करता है, गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग या उनके इंटरनल अफेयर्स को नहीं, कैसे वो लोग काम करेंगे उस पर नहीं चर्चा करता नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन चर्चा करता है कि लॉ में जो लिखा हुआ है उसको,
उसको डिटेल में समझाता है कि हाँ ये लिखा है उसका मीनिंग ये है, या ऐसे इसमें उसके मीनिंग में अब ऐसा चेंज किया गया है। सो आई होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा, आपको प्रूफ मिल गया होगा। आप चाहे तो देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं ऐसे सर्कुलर का जो डेट था, आप सर्च करके देख सकते हैं कि क्या था सर्कुलर, क्या गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया ऑन 6 अप्रैल 2018। सो दिस इज सी एस मनीषा साइनिंग ऑफ। आई होप यू लाइकिंग माई वीडियो। थैंक यू।